दोस्तों, आज तक हम लोगों ने बात की है कि लिंक कैसे लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, कैसे इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करते हैं, कैसे कंटेंट फाइंड करते हैं इंस्टाग्राम के लिए, कैसे वायरल कंटेंट फाइंड करते हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं द सिस्टम ऑफ मेकिंग $100 per day ऑन इंस्टाग्राम। सो सिस्टम ऑफ मेकिंग $100 per day ऑन इंस्टाग्राम क्या ये चीज है, मैं आपको बताऊंगा कि इस लिंक को डालने के बाद, मतलब ये लिंक यहाँ डालने के बाद अंदर क्या चीजें आपको करनी होती है, तब जाके आपकी सेलिंग आती है और आप $100 या उससे कई ज्यादा या उससे कम आप अर्न कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। तो वो सारा सिस्टम कैसे बिल्ड होता है, क्या सिस्टम्स होते हैं, कैसे सेल होते हैं, उस चीज की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिल जाए। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल का आइकन है यार, उसको प्लीज दबा दो, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे नेक्स्ट वीडियो की। एंड गाइस, प्लीज प्लीज लाइक करके जाना, क्योंकि एक आपका लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपके लिए वीडियो बहुत ही जल्द उस टॉपिक पे लाने की मैं कोशिश करूंगा। सो लेट्स गो। सो माय नेम इज स्टियर, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वॉचिंग एज यूजुअल ऑनलाइन मनी। तो गाइज, हम लोग बात करने वाले हैं द सिस्टम ऑफ मेकिंग $100 per day ऑन इंस्टाग्राम। तो गाइज, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये लिंक कैसे सेट करते हैं, कैसे बायो सेट करते हैं, कैसे कॉन्टेंट फाइंड करते हैं। आई थिंक 70 to 80% चीजें हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी है इंस्टाग्राम के बारे में। बट आज इस लिंक के पीछे की कहानी, इस लिंक के पीछे का सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, जो लिंक हम लोग लगाते हैं जिसमें हम लोग पूरा ट्रैफिक भेजते हैं, उसके बाद क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले आपका होता है प्रोफाइल, एज यू नो कि ये प्रोफाइल जो पूरा ट्रैफिक के लिए बना है, ठीक है, मतलब ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने के लिए। अब आप जितने भी फेसबुक यूट सॉरी जितने भी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, उन सबका जो ये फ्रंट चीज है, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल। और ये क्या करता है, ये करता है ट्रैफिक अट्रैक्ट, ठीक है, बस ट्रैफिक अट्रैक्ट करना ही इसका काम है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ होती है आपकी लिंक, एज यू नो यहाँ आप लगाते हैं अपना लिंक, राइट। एंड उसके बाद, इस चीज के बाद पीछे बहुत सारा काम होता है कि क्या कैसे कब तैयार करना है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ट्री लिंक के बारे में बताया था, आई होप कि आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके देखो, 1 से 2 दिन की पहले की वीडियो है, जहां मैंने बताया है कि ट्री लिंकिंग क्या होती है, जिसमें बहुत सारा लिंक एक ही पेज पे दे दिया जाता है, राइट। उसमें क्या होता है, आपके कस्टमर को ऑप्शन मिल जाता है और उसको जो चीज पसंद आता है वो उसमें उसको बाय कर लेता है, ठीक है। मतलब चांस यही रहता है कि 95 to 96 या 98 बोलूं, जितने कस्टमर आते हैं वो कन्वर्ट होते हैं और आपकी किसी ना किसी एक ऑफर तक जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट है और अच्छा ट्रिक रहता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें। सो गाइज, अब जैसे ही बंदा इस पे क्लिक करता है तो वो इस चीज पे आता है, देन वो एक ऑफर सेलेक्ट करता है, चाहे वो कुछ भी हो। आप मान लो आपने डाला है हेल्थ से रिलेटेड ऑफर, तो वो हेल्थ से रिलेटेड एक ऑफर सेलेक्ट करता है एंड उसके लैंडिंग पेज पे जाता है। तो गाइज, यहाँ सबसे बड़ा एक काम आता है कि आप जो भी ऑफर को पिक करते हैं, चाहे वो हेल्थ से, वेल्थ से, रिलेशनशिप से, किससे भी रिलेटेड हो, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी लैंडिंग पेज सबसे पहले बनानी पड़ती है। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा काम होता है लैंडिंग पेज बनाना किसी भी ऑफर के लिए, जब आपका कस्टमर यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आता है। तो ये जो चीज है, मेक श्योर कि आपका लैंडिंग पेज बहुत ज्यादा अपीलिंग होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हुक स्टोरी एंड ऑफर, ऐसा अपीलिंग लैंडिंग पेज आपका होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता हुक स्टोरी एंड ऑफर के बारे में, तो मैंने बहुत बार बता रखा है कि लैंडिंग पेज बनाते कैसे हैं, और वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप उस वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको नॉलेज मिले कि लैंडिंग पेज को कैसे मोर अट्रैक्टिव एंड मोर बेनिफिशियल कैसे बनाया जा सके। तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। देन आपको इसके बाद यहां पर आपको एक ईमेल ऑप्टिन पुट करना पड़ता है। ईमेल ऑप्टिन का मतलब होता है वो फॉर्म जहां पर आपका कस्टमर
ईमेल सबमिट करता है, राइट, ईमेल सबमिट। अब ये जरूरी क्यों है मैं बता दूं, सबसे पहले जरूरी इसलिए है गाइस क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ ऑफर चेक करते हैं एंड चले जाते हैं, तो उनको रीटारगेट कैसे किया जाए। रीटारगेट करने के लिए हमारे पास उनका एड्रेस या कॉन्टेक्ट कुछ तो होना चाहिए, ओके। सो ये जो फॉर्म है वो यही काम करता है कि उनका एक कांटेक्ट हमारे पास छोड़ जाता है एज अ फॉर्म ऑफ ईमेल। देन हम क्या करते हैं, हम उसे बार बार रीटारगेट करके उसको रिकॉल करते हैं, भाई आओ और देखो तुम्हारे लिए हमने कुछ ऑफर रखा है, अगर अच्छा लगा तो ले लो, लाइक दैट, ओके। सो हम बार बार इसे रीटारगेट एंड रिकॉल करते हैं, जस्ट यही इसका फंडा होता है, दैट इज कॉल्ड ईमेल ऑप्टिन सबमिशन, ओके। सो ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसके लगाने के अलग अलग प्लेसेस होते हैं, कोई पॉपअप में लगाता है, पॉपअप लाइक दैट की कोई बटन लगा देगा, देन उस पर क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आ जाएगा, कोई ऑटोमेटिक पॉपअप लगाता है जैसे कि आप स्क्रॉल करोगे उसके लैंडिंग पेज में एंड एक पॉपअप खुल जाएगा। एंड एक चीज और होती है जैसे कि कोई शुरू में ही लगा देता है ईमेल सबमिट फॉर्म, तो वहां पर आपको ईमेल सबमिट करना पड़ता है, और कोई ये पूरा लैंडिंग पेज को देखने के बाद जब नेक्स्ट पे आप जाते हो तो वहां पर कोई ओपीटी लगा देता है, लाइक दैट जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बना के दिखाया है। तो अलग अलग सिस्टम है ओपीटी लगाने के, तो ऐसा कोई लगाता है कोई अलग से लगाता है, लाइक दैट वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है लोगों को अट्रैक्ट करने की और सेल्स में कन्वर्ट करने की, ओके। देन क्या होता है उसके बाद, इसका जो ईमेल है इसका जो डाटा है वो आपके ऑटो रिस्पॉन्डर में चला जाता है, ये है आपका ऑटो रिस्पॉन्डर। अब गाइस देखो दो चीजें होती हैं यहाँ पर, एक तो ये बंदा जो है ये आपके मेन सेल्स पेज पे जाएगा, मतलब जहां से आपने प्रोडक्ट उठाया है वो वहां से जाके या तो ये डायरेक्ट सोल्ड हो जाएगा, खरीद लेगा चीजों को, ओके, या तो ये क्या करेगा, देखेगा और ये बोलेगा चलो बाद में खरीदते हैं, लाइक दैट, ओके। सो अब यहां पर एक चीज आता है, दैट इज कॉल्ड ईमेल सबमिशन और चैटबॉट। आजकल चैटबॉट भी मार्केट में आ गया, तो ये भी एक बहुत मेन मुद्दा हो गया है, ठीक है, कि चैटबॉट का भी आप यूज कर सकते हो अच्छा खासा मार्केट करने के लिए। मैं बेसिकली दोनों चीज का यूज करता हूँ, डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या चीज यूज करनी है, ओके। सो उसके बाद क्या होता है, जब ये बंदा खरीद लिया तो ये तो कन्वर्ट हो गया कस्टमर में, आपका पेड कस्टमर, बट अगर ये नहीं खरीदा तो अब आप क्या करते हो, आप अपने जो आपका ऑटो रिस्पॉन्डर है यहां से इसको बार बार ईमेल करते हो। फर्स्ट ईमेल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड रिकॉल कि आप यहाँ पर आए थे, आपने ये खरीदा एंड लाइक दैट थिंग्स की नहीं खरीदा, खरीदा आपने देखा ऑफर जो भी उसने किया वो आप उसको बताते हो, ठीक है। देन आप जो दूसरा उसको ईमेल करते हो वो करते हो कि ऑफर क्या है भाई, नया ऑफर क्या है, ठीक है, अब वो देखता है तो ठीक है, नहीं देखता है तो वो भी ठीक है। देन आप उसको वैल्यूएबल ईमेल्स एंड कंटेंट सेंड करने लगते हो कि ये होता है वो होता है, लाइक दैट नॉलेज शेयर करने लगते हो, मैं बेसिकली बोलना चाहता हूँ। एंड देन उसके बाद फिर आप कुछ नया ऑफर देते हो उसको, फिर कुछ डिस्काउंट देते हो, फिर कुछ एडिशनल बोनसेस देते हो, लाइक दैट, मतलब बार बार उसको रिकॉल करते हो पीछे से कि ये हो रहा है भाई, वो हो रहा है भाई, ये देख लो भाई, वो देख लो भाई, मतलब आप दिखाते हो, रिकॉल करते हो, रिलेशनशिप बनाते हो, लाइक दैट थिंग, ट्रस्ट बिल्ड करते हो। देन जाके एक फाइनल ऐसी ईमेल होती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड हो जाता है, ओके। मोस्ट ऑफ केसेस में ये सोल्ड हो जाता है बिकॉज जो कस्टमर रहता है वो पूरा अट्रैक्ट रहता है, वो आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड रहता है, तभी वो आपके सेल्स ऑप्टेन पेज तक आता है, ओके। वरना वो यहाँ से ही वापस चले जाता है, बट वो यहाँ तक आता है मतलब वो इंटरेस्टेड रहता है और मोस्ट ऑफ केसेस में सेल हो ही जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज होता है चैटबॉट, आपका जो भी बंदा यहाँ पर क्लिक करता है, सो वो क्या होता है, जैसे चैटबॉट पे जो भी बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा उसका क्या होता है, फिर उसके बाद वो आ जाता है आपके चैटबॉट में, और चैटबॉट क्या होता है, चैटबॉट लगा होता है मैसेंजर में, और मैसेंजर कहाँ होता है, मैसेंजर होता है फेसबुक में। तो अब क्या होता है गाइज, यहाँ पर फेसबुक में आपको एक चीज ये मिल जाती है कि आप अपने पोस्टिंग एंड कंटेंट के जरिए जो फेसबुक पेज पे आप कंटेंट डाल रहे हो, जो पोस्टिंग डाल रहे हो, उससे बार बार उसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है, उससे बार बार उसको आप रिकॉल कर सकते हो। प्लस आप ईमेल से तो कर ही सकते हो, बट अगर आप वो सिर्फ चैटबॉट यूज करते हो और वो आपके सिर्फ चैटबॉट में जाता है, तो आप अपने फेसबुक पोस्ट से, फेसबुक कमेंट से आप उसको रिकॉल कर सकते हो, प्लस फेसबुक एड से आप उसको रिकॉल कर सकते हो, ओके। और प्लस आप मैसेंजर में तो उससे ऑटो मैसेजेस दे के बार बार उसको रिकॉल कर ही रहे हो। तो फेसबुक में एक चीज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड कि आप अपने कंटेंट के जरिए
अच्छे से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को, राइट। तो ये थोड़ा एक एडिशनल फैक्ट आ जाता है कि आप उसमें पोस्ट, वीडियो एंड मैसेज सब कुछ कर सकते हो, ओके। एंड वो क्या होता है, थोड़ा फ्रेंडली होता है, बिकॉज आपको पता है कि सोशल मीडिया पे लोग थोड़ा सोशली बिहेव करते हैं लाइक दैट थिंग्स। तो वो जो चीजें हैं वो आपको थोड़ा मदद करती हैं जल्दी कस्टमर को अट्रैक्ट करने में। तो ये दो चीजें होती हैं, चैटबॉट एंड मैसेंजर, आप दोनों में से, सॉरी, चैटबॉट मैसेंजर और ईमेल ऑप्टिन, आप दोनों में से जो चाहो वो यूज कर सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो और लगे कि हाँ भाई ये मार्केटिंग मेरे लिए इजी है। तो दोनों ही एक तरह से काफी अच्छी खासी मार्केटिंग है। और गाइस, आज मैंने आपको जो बताया है वो ये है कि इस लिंक को क्लिक करने के बाद कितनी सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है, कि आपको कैसे लैंडिंग पेज बनाना है, कैसे ईमेल सीक्वेंस बनाना है, कैसे चैटबॉट लगाना है, कैसे ईमेल ऑप्टिन लगाना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों से ट्रस्ट बिल्ड करना है और कैसे उनको सोल्ड करना है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं ईमेल ऑप्टिन के बाद। तो मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज ये वही चीजें हैं जिनसे सेल्स होती हैं। क्योंकि गाइस देखो, 100% में से आई थिंक 15% लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बाय कर लेते हैं, देन उसके बाद के जो लोग रहते हैं वो डायरेक्ट बाय नहीं करते हैं। उनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है, जिस चीज को आपको बिल्ड करना पड़ता है ईमेल ऑप्टिन या मैसेंजर बॉट्स के जरिए, देन वो सेल होता है। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों पे जरूर काम करो। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना, एक कमेंट आपका जरूर अप्रिशिएट करेगा मुझे। सो प्लीज कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और गाइज नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करना। अगर हो सके तो प्लीज शेयर विथ योर वन फ्रेंड ओनली, शेयर विथ योर वन फ्रेंड ओनली और ग्रुप। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।